वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डैम्पिंग फैक्टर के बारे में। ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, एम्पलीफायर्स के बारे में ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि डैम्पिंग फैक्टर वास्तव में है क्या, किस तरीके से काम करता है और कितना इसका इम्पोर्टेंस है। और साथ में मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती के बारे में भी बताऊंगा जो लोग करते हैं एम्पलीफायर को स्पीकर से जोड़ते समय, जिसकी वजह से उनका डैम्पिंग फैक्टर बहुत ख़राब हो जाता है। आप पैसे लगा के एक अच्छे डैम्पिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर ले तो आए, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो डैम्पिंग फैक्टर आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सबसे पहले मैं आपको बताना पसंद करूंगा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में। वैसे इस परिभाषा को देख समझ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है तो इसको जान लीजिए। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक स्पीकर है जिसका इम्पीडेंस आपको पता है कि 8 ओम या 4 ओम हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पीकर लिया जिसका इम्पीडेंस है 8 ओम, और साथ में ही आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसके आउटपुट पोल्स पे यानी कि आउटपुट पॉइंट्स पे कुछ इम्पीडेंस होता है जो कि मिली ओम्स में होता है। जैसे कि इस एम्पलीफायर का 0.01 ओम्स है। डैम्पिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो डैम्पिंग फैक्टर का फार्मूला है जेड लोड डिवाइडेड बाई जेड सोर्स। यानी कि अगर आप अपने लोड के इम्पीडेंस, लोड क्या है आपका स्पीकर, यानी कि स्पीकर के इम्पीडेंस को एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस जो मैंने आपको बताया उससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका डैम्पिंग फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें दोस्तों, तो हमारा स्पीकर 8 ओम का है और हमारे एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस 0.01 ओम्स है। तो अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 800, यानी कि हमारे इस एम्पलीफायर की इस स्पीकर के साथ कॉम्बिनेशन करने पर हमारा डैम्पिंग फैक्टर जो है 800 आता है। ये आप जान लीजिए कि अगर आपके एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर कुछ दिया हुआ है 400 या 200, तो वो एक पर्टिकुलर लोड पर और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होता है। ऐसा नहीं कि 400 डैम्पिंग है तो हमेशा 400 ही रहेगा उसका, तो ये चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। तो आइए थोड़ा साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है। दोस्तों सच तो ये है कि डैम्पिंग फैक्टर का करेक्ट ग्राफ दिखाने के लिए ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं आपको फिजिकली इस स्पीकर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये एक स्पीकर का कोन है। आप जानते हैं कि ये एक स्प्रिंग सस्पेंशन की तरह काम करता है, एक सेंटर पॉइंट से ये ऊपर या नीचे जाता है। तो दोस्तों अगर आपने कोई इसको फ्रिक्वेंसी दी जैसे कि बेस मेनली, जिससे इसका कोन ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद दोस्तों ज्यों ही वो फ्रिक्वेंसी हटेगी तो ये कोन जो है नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इनर्सिया यानी कि जड़त्व का जो नियम होता है, तो जब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो ये अपने पोजीशन से थोड़ा आगे तक चला जाता है। इसी तरीके से जब एम्पलीफायर इसको पावर देके ऊपर करने की कोशिश करेगा, ये अपनी उस पोजीशन जहाँ तक जाना है जड़त्व के कारण उससे थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक उसी तरह से जब एम्पलीफायर की पावर आप हटाएंगे तो इसे जब सेंटर पॉइंट में आना है तो उससे नीचे तक जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली जो मोशन इसको करना चाहिए था इस कोन को, वो मोशन नहीं कर रहा है, उससे कुछ हट के भी ये गति कर रहा है, उससे कुछ हट के ये हरकत कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल कंट्रोल्ड नहीं है। तो अगर ये कंट्रोल्ड नहीं होगा दोस्तों, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का फॉर्म जिस तरीके से निकलना है एग्जैक्टली उस तरीके से इससे रिप्रोड्यूस नहीं होगा। तो आपके एम्पलीफायर के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इसको करेक्ट तरीके से कंट्रोल कर सके, यानी कि जब इसको बाहर जाना है तो बाहर ले आए और जब इसको अंदर ले जाना है और जितना ले जाना है उतना ही ले जाए। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी एम्पलीफायर की, आपके स्पीकर को कंट्रोल करने की क्षमता ही जो है डैम्पिंग फैक्टर है। और बाकी दोस्तों आगे मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता जाऊंगा आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। डैम्पिंग फैक्टर को अच्छे से समझाने के लिए दोस्तों आप एक डेमो देख लीजिए कि आपका स्पीकर जो है लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी तीनों पर किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सिग्नल लगा रखा है 20 हर्ट्ज़ का, मैं सिग्नल इसे दूंगा। तो ये देखिए 20 हर्ट्ज़ पर आप देख रहे हैं कि इसकी कोन जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे आ जा रही है, कि कोन की मूवमेंट कितनी ज़्यादा है। ये 49 हर्ट्ज़ मैंने कर दिया, ये भी लो फ्रिक्वेंसी में ही आता है। 140 हर्ट्ज़, तो
140 में आप देख रहे हैं कि एक आवाज़ टाइप की आ रही है, लेकिन मोशन जो है कम हो जा रहा है। मोशन है इसमें, काफ़ी मोशन है इसमें। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसका कंपन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन जाता है वो कम हो जा रहा है। तो 156 पे, और अब हम मिड रेंज में चलते हैं। आप जानते हैं कि 1 kHz या 1000 Hz की फ्रिक्वेंसी मिड रेंज में आती है। तो देख रहे हैं आप इस पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा पेपर मैंने रख दिया ताकि आपको पता चले, और आप देख रहे होंगे कि मिड रेंज पे कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें, और लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन है, काफ़ी है। और उसी तरीके से अगर हम हाई में चले जाएँ, जो कि 5 के आसपास होता है, 6000 kHz, तो वहाँ भी हमारे कोन में कोई मोशन नहीं है, आवाज़ तो आ रही है। तो आपने लो, मिड और हाई तीनों स्थितियों में आपने कोन का बिहेवियर देख लिया, व्यवहार देख लिया कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, कोन की मूवमेंट दिखाने का मेरा तात्पर्य था आपसे कि आप समझ जाएं कि स्पीकर में मूवमेंट कब ज़्यादा होती है, और आप जान गए कि लो फ्रिक्वेंसी पर स्पीकर ज़्यादा मूवमेंट करता है। और डैम्पिंग फैक्टर का मतलब ही है कि स्पीकर की मूवमेंट को कंट्रोल में रखना। जब मूवमेंट ही नहीं होगी या ज़्यादा नहीं होगी तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है। तो इस तरीके से डैम्पिंग फैक्टर हमारा बेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मिड और ट्रिबल के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। बेस अच्छा है और करेक्ट आए, एक्यूरेट आए, इसके लिए डैम्पिंग फैक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो डैम्पिंग फैक्टर में काम में आती है, और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। मेरे पास कोई बड़ा स्पीकर फ्री नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाता। दोस्तों, अगर आपके पास एक बड़ा सब बूफर हो तो उसको आप हाथ में लीजिए और इसको कोन को ऐसे प्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि कोन बहुत आराम से प्रेस हो जाती है, लेकिन आप उसकी आउटपुट के जो टर्मिनल्स हैं उसको शॉर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप उसकी कोन को प्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपके सब बूफर की कोन थोड़ी सी जैम हो जाती है, यानी कि जितने फ्रीली पहले वो दब रहा था उतना फ्रीली वो नहीं दब रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों, आप जानते हैं कि स्पीकर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि एक मैग्नेट के अंदर एक क्वाइल होती है। तो मैग्नेट के अंदर अगर एक क्वाइल है और उसको अगर हम मोशन देते हैं तो आप जानते हैं कि वहां पे वोल्टेज और करंट उत्पन्न होगी। तो स्पीकर भी वास्तव में स्पीकर होने के साथ ही एक वोल्टेज जनरेटर भी होता है, यानी कि जब आप यहां पे वोल्टेज देते हैं तो यहां पे मोशन होती है, लेकिन अगर यहां पे मोशन होगी तो यहां पे वोल्टेज भी आएगी। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक स्पीकर के आउटपुट टर्मिनल्स में आप एलईडी को एक लगा दीजिए और उसके बाद स्पीकर को ठोकने की कोशिश कीजिए। ये एलईडी अगर आपकी एक तरफ नहीं जल रही है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं दूसरे साइड से। पोलेरिटी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, अगर कंटिन्यूअस आप करेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा, तो वोल्टेज जनरेट होती है। तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए दोस्तों कि अगर किसी तरीके से स्पीकर के जो टर्मिनल हैं इनको हम शॉर्ट कर दें तो ये मूवमेंट जो मोशन कर रहा था वो उतना मोशन नहीं कर पाएगा। यानी कि जब ये वाइब्रेट होता है, यानी कि जब एम्पलीफायर इसको ड्राइव करता है आपके स्पीकर को, तो आपका स्पीकर भी एम्पलीफायर को ड्राइव करने की कोशिश करता है। और वो ड्राइविंग कैसे रुकेगी? अगर हम इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दें तो स्पीकर की मूवमेंट जो है कौन की कम हो जाएगी। और शॉर्ट करने का मतलब होता है कि कम रेजिस्टेंस होना, यानी कि स्पीकर के कोन को एक्स्ट्रा मूवमेंट करने से रोकने के लिए इसके आउटपुट में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, एक तरह की शॉर्टिंग टाइप की होती है, और उसी को हम बोलते हैं एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस। लेकिन दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि मल्टीमीटर लगा के आप चेक करेंगे तो शॉर्टिंग आएगी, क्योंकि जब एम्पलीफायर ड्राइव कर रहा होता है इस स्पीकर को तब वो शॉर्ट की स्टेटस में होता है। तो दोस्तों, एम्पलीफायर का जो आउटपुट इम्पीडेंस है ये एक डायनामिक वैल्यू है, आप इसको मीटर से नहीं चेक कर सकते। ये जब ड्राइव करता है एम्पलीफायर, जब चलता है तभी प्रकट होता है। डैम्पिंग फैक्टर के बारे में नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एम्पलीफायर में किस तरीके से डैम्पिंग फैक्टर कंट्रोल किया जाता है। तो डैम्पिंग फैक्टर आप समझ गए कि उसके आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस है वो है। तो अगर डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा करना है हमको एम्पलीफायर में, तो जितना ही उसके आउटपुट पर कम रजिस्टेंस होगा उतना ही उसका डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि आउटपुट में अगर हम डिवाइसेस पैरेलल में करते जाएँ, यानी कि जो आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, कई सारे आउटपुट ट्रांजिस्टर आप पैरेलल में करते जाएँ, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और डैम्पिंग फैक्टर बढ़ जाएगा। ये आप कम कर सकते हैं। दूसरी बात कि एम्पलीफायर्स की जो डिज़ाइनिंग होती है, आप जानते हैं कि आउटपुट से एक फीडबैक जो है दिया जाता है एम्पलीफायर को हमेशा। ये फीडबैक को हम निगेटिव फीडबैक बोलते हैं,
और ये जो निगेटिव फीडबैक होता है ये डैम्पिंग फैक्टर को ही कंट्रोल करने के लिए होता है। जिस एम्पलीफायर में जितना ज़्यादा निगेटिव फीडबैक होगा उतना ही डैम्पिंग फैक्टर उसका अच्छा होगा, लेकिन निगेटिव फीडबैक देने की भी एक सीमा है, क्योंकि ज़्यादा आप फीडबैक देंगे तो आपका एम्पलीफायर रिंग करने लगेगा, विस्लिंग आने लगेगी, इसलिए फीडबैक भी हम एक सीमा से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो आउटपुट का इम्पीडेंस घटाकर और निगेटिव फीडबैक बढ़ाकर हम किसी एम्पलीफायर की डैम्पिंग फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कितना डैम्पिंग फैक्टर हमारे लिए पर्याप्त है, कितना होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत ही बड़े ऑडियो इंजीनियर हैं जिनका नाम है मिस्टर नेल्सन पास, बहुत ही जाने माने इंजीनियर हैं। उनके हिसाब से जो है डैम्पिंग फैक्टर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये मिड और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कम डैम्पिंग फैक्टर वाला भी एम्पलीफायर चल जाएगा, और सब बुफर बुफर के लिए ज़रूरी है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, लेकिन वहाँ भी उनके हिसाब से अगर 100 से ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर है तो बहुत ही एनफ है। और वैसे आजकल के एम्पलीफायर्स में सभी में 100 से ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर आता है, इसलिए डैम्पिंग फैक्टर के पीछे आपको भागने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके एम्पलीफायर में ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर वाले एम्पलीफायर को अगर आप मिड और ट्रिबल के साथ यूज करते हैं तो वॉइस में हार्शनेस आने की संभावना होती है। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ दोस्तों कि डैम्पिंग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही समझ जाइए कि जो ट्यूब एम्पलीफायर होता है जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत स्वीट साउंड आती है, तो उसका डैम्पिंग फैक्टर बहुत ही ख़राब होता है, 10-20-30 तक होता है उसका डैम्पिंग फैक्टर, या कभी कभी एक भी होता है उसका डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर से आवाज़ की अच्छाई का कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि बेस थोड़ी एग्जैक्ट और एक्यूरेट आती है। दोस्तों, आपने एक अच्छे डैम्पिंग फैक्टर का एम्पलीफायर खरीद लिया, सपोज कीजिए कि उसका डैम्पिंग फैक्टर 400 है 8 ओम पर, और आप बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा मैं एम्पलीफायर खरीद के लाया हूँ, लेकिन दोस्तों इसके इम्प्लीमेंटेशन में यानी कि जिस तरह से आप स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आदमी से, जिसकी वजह से बेस रीजन में स्पेशली आपका डैम्पिंग फैक्टर बिगड़ जाता है और बेस उतनी अच्छी नहीं आती है अच्छा डैम्पिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर होने के बावजूद। तो होता क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर लिया जिसका डैम्पिंग फैक्टर 400 है, क्योंकि इसका आउटपुट इम्पीडेंस 0.02 ओम है और 8 ओम का हमारा लोड है, लेकिन एम्पलीफायर से जब आप स्पीकर जोड़ते हैं दोस्तों तो बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर से सबसे पहले आपका स्पीकर टर्मिनल होता है दोस्तों, उसके बीच में कुछ तार होता है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद स्पीकर टर्मिनल का भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात कि स्पीकर टर्मिनल से लेके स्पीकर बॉक्स तक आप जो तार ले जाते हैं वो काफ़ी लंबा होता है, तो दोस्तों उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद स्पीकर के पहले आपका क्रॉसओवर नेटवर्क लगा हुआ है, आप जानते हैं उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जुड़ गया है। तो दोस्तों, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि 2 स्क्वायर mm का कॉपर वायर अगर हो आपके पास, 5 मीटर का तार है और आपका यानी कि एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच की दूरी 5 मीटर है, और आपने उसे दो 2 स्क्वायर mm के कॉपर वायर का एक साइड का रेजिस्टेंस 5 मीटर का 0.05 ओम होता है, तो चूंकि दो चार जाएंगे तो डबल हो जाएगा, तो 0.1 ओम आपका हो जाएगा। अब ये 0.1 ओम एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस में जुड़ जाएगा, तो अब आपका जो है डैम्पिंग फैक्टर कितना आएगा। देखिए, मैंने बताया था आपको कि स्पीकर के रेजिस्टेंस को यानी कि 8 ओम को डिवाइड करना है एम्पलीफायर के आउटपुट इम्पीडेंस से, तो एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस था 0.02 और प्लस आपका ये वायर का भी आ गया 0.1 आ गया, अब इससे आप डिवाइड कीजिए तो 8/ 0.12 हो जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों 66.66, यानी कि आपने 400 डैम्पिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर ख़रीदा था और बहुत खुश हो रहे थे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाया है, लेकिन आपके बीच के वायर्स, आपके क्रॉसओवर नेटवर्क के रेजिस्टेंस और टर्मिनल के रेजिस्टेंस की वजह से आपके 400 वाला डैम्पिंग फैक्टर एम्पलीफायर जो है 66 डैम्पिंग फैक्टर से काम कर रहा है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो भी प्रोफेशनल ऑडियो चलाते हैं लोग उनके साथ या होम ऑडियो में भी, इसीलिए एम्पलीफायर से स्पीकर की डिस्टेंस जितनी कम से कम रख सकें आप उतनी कम से कम रखनी चाहिए, और वायर को मोटा से मोटा रखना चाहिए, उसके अलावा आप कोशिश करें कि बीच में कोई क्रॉसओवर नेटवर्क वगैरह नहीं हो।
लेकिन आप जानते हैं कि आपने स्पीकर, ट्विटर, बुफर सब एक साथ लगा रखा है, तो क्रॉसओवर नेटवर्क आप लगाएंगे ही। इसीलिए दोस्तों पैसिव क्रॉसओवर की अपेक्षा एक्टिव क्रॉसओवर ज़्यादा अच्छा होता है, एक्टिव एम्पलीफिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें डैम्पिंग फैक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि मैंने अभी तक आपको अपने डिज़ाइन से कभी कोई एम्पलीफायर नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा और आपको बनाना सिखाऊँगा और मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर है, तो इससे पहले कि मैं ये क्लेम करूं कि मेरा बनाया हुआ एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे कि एम्पलीफायर का इम्प्लीमेंटेशन करने में कहाँ मिस्टेक होती है, तो बहुत ही आपको इजी होगा। और ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में एक से एक अच्छे सर्किट और एम्पलीफायर अवेलेबल हैं। अगर आप बेसिक्स जान जाते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा एम्पलीफायर आपको लेना है और किस तरीके से उसको यूज़ करना है ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब डैम्पिंग फैक्टर को लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बची होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा कमेंट्स के बीच में कहीं खो जाते हैं, अगर काफ़ी दिनों तक मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो आप फिर से नया कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसकी ग्रोथ को आप बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसका प्रचार कीजिए, और जो भी इस फील्ड से जुड़े लोग हैं उनको आप सजेस्ट कीजिए कि मेरा चैनल देखें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।